हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। वैसे तो दुनिया में बहुत सी अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोगों को अलग अलग चीज़ों के प्रति अपना अट्रैक्शन होता है। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि लगभग हर इंसान को पसंद आती है। तो ऐसी एक चीज़ों में से है कॉटन कैंडी, जो कि दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। और हमारे प्यारे भारत में इसे एक अलग ही नाम से जाना जाता है, बुढ़िया के बाल के नाम से। और इसे छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के हर उम्र के व्यक्ति इसे खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कॉटन कैंडी के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। कॉटन कैंडी के इन्वेंटर के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कॉटन कैंडी का इन्वेंशन एक डेंटिस्ट ने किया है। हाँ, वही डेंटिस्ट जिसने आप में से कई सारे लोगों को दांत निकाले होंगे। और कॉटन कैंडी का इन्वेंशन कहा जाता है इटली यूरोप में किया गया था। 1897 में डेंटिस्ट डॉक्टर विलियम्स मॉरिसन और जॉन सी वाल्टन नाम के एक कैंडी क्रिएटर ने एक साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया जिसने चीनी को पिघला दिया और इसे बढ़िया स्क्रीनिंग के माध्यम से उड़ा दिया, जिससे कॉटन कैंडी के धागे बनने लगे। विलियम मॉरिसन ने कॉटन कैंडी के 68,655 बॉक्सेस $7 प्रति बॉक्स के कीमत से बेचकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जो कि उस टाइम पे इतनी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती थी। कॉटन कैंडी के इन्वेंट होने के बाद कुछ ही समय में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी मांग बढ़ने के कारण ही उन लोगों ने इतना सारा प्रॉफिट इतने कम समय में कमाया। कॉटन कैंडी को बनाने के लिए पहले चीनी को गर्म करके मशीन में डाला जाता है और फिर उस मशीन को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया जाता है। और जैसे ही मशीन घूमना शुरू होती है तो कॉटन कैंडी बनना शुरू हो जाती है। कॉटन कैंडी के अंदर लगभग 99% चीनी होती है और 1% किसी भी तरह का फ्लेवर हो सकता है। 19th सेंचुरी में सिर्फ वही लोग कॉटन कैंडी खा सकते थे जो कि पैसे वाले होते थे, क्योंकि उस समय ये महंगी होती थी। और उस समय तो इस कॉटन कैंडी को हाथ से बनाया जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय में तैयार होती थी। जब मशीन आई तो धीरे धीरे इसकी मांग पूरी होने लगी और ये सस्ती हो गई। आज के टाइम में कॉटन कैंडी पूरी दुनिया के कोने कोने में फेमस हो चुकी है, और आज के टाइम में नॉर्मल लोग भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी के रीज़न से ही बहुत ही अच्छी तरह की कॉटन कैंडी बनाई जाती है और इनकी प्राइस भी बहुत कम होती है। वैसे हमारे प्यारे भारत में भी कॉटन कैंडी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ कॉटन कैंडी बना रही है। दुनिया की सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी कॉटन कैंडी बनाने वाली कंपनी कैनेडा की है, जिसका नाम टूटीज रॉयल है। ये अलग अलग फ्लेवर की कॉटन कैंडी बनाते हैं और जो दुनिया भर में फेमस है। तो अगली बार अगर आप कनाडा जाए तो टूटीस रॉयल की कॉटन कैंडी जरूर ट्राई करना। कॉटन कैंडीज के फैक्ट्स जानने से पहले अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फर्स्ट कॉटन कैंडी फैक्ट ये है कि कॉटन कैंडी एक्चुअली शुगर फ्री है, इसलिए 7 दिसंबर को नेशनल कॉटन कैंडी डे मनाने के लिए डायबिटीज पेशेंट थोड़ी सी कॉटन कैंडी खा के आनंद लेना सुरक्षित होगा उनके लिए। हम में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि कॉटन कैंडी का एक ही फ्लेवर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉटन कैंडी कई डिफरेंट फ्लेवर में होती है, इंक्लूडिंग बबल गम, बनाना, चॉकलेट, वाटरमेलन, वेनिला और मेपल सिरप। ये नाम सुन के वैसे मेरे भी मुँह में पानी आ गया। दुनिया भर में कॉटन कैंडी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे कैंडी फ्लोस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड में इसे फेरी फ्लोस कहा जाता है, नीदरलैंड में इसे सुगर स्पिन के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है सुगर स्पाइडर, और फ्रांस में इसे बार्बे पापा कहा जाता है जिसका मीनिंग होता है पिताजी की दाढ़ी। सबसे लंबी कॉटन कैंडी जुलाई 2009 में बनाई गई थी, जो 1400 मीटर लंबी थी। इस जाइगेंटिक ट्रीट को बनाने में 6 घंटे का समय लगा था। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।